काफ़ी सारी विकास की योजनाओं में डिस्कशन हुआ है और हम सभी विधायकों को कुछ कुछ योजनाएं बांटी गई हैं और अगर इसे हम धरातल में उतारने में अगर हम सक्षम हुए तो विपक्ष का खात्मा निश्चित है, यही बोल सकते हैं। और 32 को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है क्या? देखिए कई सारे विधायक जो जिस तरह से विरोध है अपनी आवाज उठा रहे हैं। नहीं नहीं, जिस तरह से एजेंडा में लिखा हुआ था कि 1932 कहीं भी आज के एजेंडा में नहीं था, इसलिए इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है और ये 1932 झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इसको थोड़ी धीरे स्लोली विल टेक इट विल बी बेटर फॉर अस। धन्यवाद। काफी सारी विकास की योजनाओं में डिस्कशन हुआ है और हम सभी विधायकों को कुछ कुछ योजनाएं बांटी गई हैं और अगर इसे हम धरातल में उतारने में अगर हम सक्षम हुए तो विपक्ष का खात्मा निश्चित है, यही बोल सकते हैं। और 32 को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है क्या? देखिए कई सारे अपनी आवाज उठा रहे हैं। नहीं नहीं, जिस तरह से एजेंडा में लिखा हुआ था कि 1932 कहीं भी आज के एजेंडा में नहीं था, इसलिए इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है और ये 1932 झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इसको थोड़ी धीरे स्लोली विल टेक इट विल बी बेटर फॉर अस। धन्यवाद। कुछ प्रक्रिया में है और आने वाले एक साल में तमाम जो ग्रामीण सड़क हो चाहे PWD की सड़क हो हमारे इलाके में बन जाएंगी या रिपेयर हो जाएंगी। ये सड़क NH 133 है, जिस पोर्शन में मैं बैठी थी वो NHAI के बनाने की बात हो गई, उसके अकाउंट में NH के द्वारा कोई भी पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। इस सड़क को NHAI को बनाने का डिसीजन भी पहले हो गया। निशिकांत जी लगातार झूठ बोलते रहे और कल भी उन्होंने 75 करोड़ देने की बात कही। मेरा उनसे सिर्फ यही सवाल है कि ये 75 करोड़ रुपए अगर केंद्र सरकार ने दिया है राज्य को तो वो किसके लिए दिया, कहाँ की सड़क बनने के लिए दिया, वो चेंज बता दे किस बात के लिए था, उसके रिपेयर के लिए था और कब दिया गया। आज बुलाया गया था हम लोगों को और कई सारी बातों पर डिस्कशन हुआ और आगे भी डिस्कशन होना अभी जो है बाकी है, तो बहुत सारे क्षेत्र के विकास के कार्य जो रुके हुए थे उनके बारे में डिस्कशन हुआ और लोगों की जो समस्याएं हैं विशेष करके मेरी जो है कई सारे मुद्दे जो इतने दिन से डिस्कस नहीं हो रहे थे उन पर। स्कूल्स हों, गोडाउन हों, तालाब हों, अच्छा मैम जो सारी चीजों उस पे होगा डिस्कशन, उसके लिए कहा गया है कि उस पे जो है आगे वृहद रूप से जो है उस पर डिस्कशन होगा। सभी अपनी तैयारी के साथ आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे और प्रयास ये किया जाएगा कि सभी की बातों को जो है समायोजित किया जाए। आज हमें यही आशा है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव संकेत दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर पॉजिटिव संकेत दे दिया है तो मैं बाकी और किसके लिए चलिए हो गया।